उत्तर प्रदेश के जिला संभल में सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, जिसमें संभल के गुन्नौर विधानसभा के भाजपा विधायक अजीत कुमार जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आने वाले चुनाव में भारी नुकसान की आशंका भी जताई है। इसमें बात यह है कि भ्रष्टाचार बहुत तेज गति पर हो रहा है। जिस व्यवस्था के खिलाफ पहले जनता ने वोट दिया था, समाजवादी और बीएसपी के खिलाफ, तो उनकी व्यवस्थाएं गलत थी और वो व्यवस्थाएं आज भी जो है अधिकारियों के माध्यम से जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही, तो इससे जनता रुष्ट है। किस किस विभाग में जिस तरह की जो अब जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गन्ना करते हैं जी, तो गन्ने की पर्चियाँ किसानों को नहीं मिल पा रही, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है अवैध रूप से उन लोगों के सट्टे कर दिए गए, जिन लोगों की ज़मीनें हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों की ईखें हैं उनको पर्चियां नहीं मिल पा रही जी, जी। तो इससे वो लोग जो है अपना गन्ना जी, जी। 100 रुपये कुंटल 125 रुपये कुंटल डालने को मजबूर हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरा जैसे किसानों के लिए ट्यूबवेल, सरकार ने ट्यूबवेल खोल दिए लेकिन उनके लिए सामान नहीं मिल रहा, जब सामान नहीं मिल रहा तो बेचारे वो लोग सब चक्कर काट रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों के, बिना रिश्वत और दलाली के जो है कोई उनको सामान नहीं मिलता। इसकी शिकायत भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इस मामले पर विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा सरकार और भाजपा विधायक पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटे। क्या उन्होंने सिर्फ दो ही विभाग बताया? नहीं, उन्होंने लगभग सही। मैं तो ये कहता हूँ कि सारा विभाग, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। इस वक्त तो खुली छूट मिली हुई है पुलिस को, किसी की सुनने को तैयार नहीं है पुलिस भी, बस पैसा ले जाओ काम ले जाओ, पैसा दिए जाओ काम ले जाओ। जिले के लगभग सभी प्रशासनिक विभाग के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए अपना दर्द बयां किया है, इसमें क्या कहेंगे? पूर्व में भी हालांकि वो आरोप लगाते रहे हैं लेकिन इस मामले में अभी तक जो है कुछ उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभल जो है अपना एक मकाम रखता है, एक स्थान है उसका, मगर आज उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। डीबी न्यूज के लिए संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट।